नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। गोवा एंटी नारकोटिक सेल द्वारा आरंभल में मारे छापे में एक नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार। गोवा के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर जाकर आंदोलन करने की शेर मिलावली के ग्रामीणों ने दी धमकी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली में मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से एक की मौत। डिजिटल माध्यम से होगा कौशल विकास, डिजी विद्यापीठ और स्किल काउंसलिंग में समझौता। गुरुग्राम में 35,000 स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने गोवा के लोगों से मिलकर उनके विभिन्न मुद्दों और शिकायतों को संबोधित किया। कश्मीर मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। सेहत योजना से जम्मू कश्मीर के 21 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त इलाज। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.56 अरब डॉलर बढ़ा। सुपरस्टार रजनीकांत की सेहत में सुधार। मेलबर्न टेस्ट बुमराह और अश्विन के आगे फर्स्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया, भारत अच्छी स्थिति में।